नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में आए दिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लगातार अपराधियों का हौसला और मंसूबा दोनों ही बुलंद होती नजर आ रहा है। इसमें आम जनता तो छोड़िए, अब खुद आईपीएस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। आईपीएस के घर पर लूट और चोरी का मामला सामने आया, जिसमें आपको बताया कि आईपीएस सूरज वर्मा के घर पर चोरी होती है कैश, उसके बाद अपराधियों को पकड़ तो लिया जाता है, कैश तो बरामद भी कर लिया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खुद जब आईपीएस और आईएएस जैसे अधिकारी सुरक्षित नहीं है, उस बिहार में आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। वर्मा से 9 लाख कैश और लाखों की ज्वेलरी की चोरी का आरोपी कोलकाता में मस्ती करता पकड़ाया। बता दें कि पुलिस ने आभूषण दुकानदार समेत 3 साथी चोर को गिरफ्तार कर इस मामले का शनिवार को खुलासा किया है। मामला राजीव नगर थाना इलाके के अशोकपुरी का है। बताते चले कि पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित अशोकपुरी इलाके में फरवरी महीने में 7 चोरों ने मध्य प्रदेश में तैनात आईपीएस सूरज कुमार वर्मा के पटना आवास से 9 लाख कैश समेत लाखों के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। यहाँ राजीव नगर थाने के पुलिस ने मामले की छानबीन के दौरान आभूषण दुकानदार समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चांदी के सिक्के और चांदी की चेन भी बरामद हुई है। बताते चले कि आईपीएस सूरज कुमार वर्मा एमपी के नीमच में पोस्टेड है। वहीं इसकी पुष्टि राजीव नगर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने किया है। 14 फरवरी को अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। यहां जांच के दौरान एक आरोपी को चोरी के नए मोबाइल फोन के साथ आपको बताया गिरफ्तार किया गया है। इसके निशानदेही पर रवि और एक सुनार लल्लू शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से चोरी की पायल और चांदी के सिक्के भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद सद्दाम इस गिरोह का मुखिया है और सरगरा है, जो पटना के अलग अलग थानों में चोरी के कई मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। इसके साथ इसका एक साथी शाहरुख भी इस अपराध में शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वही गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरी के पैसे से कोलकाता घूमने और मौज मस्ती करने गए थे। पैसा खत्म होते ही पटना पहुंचने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए, चोरी के पैसे से कोलकाता जाते हैं, वहां मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता है और पटना वापस आते हैं तो बस पुलिस धर दबोचती है और गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरा मामला आपको बताया पटना के आईपीएस के आवास की है, जहां बदमाशों ने लूटपाट की थी, चोरी की थी, जिसके बाद अब उन्हें कोलकाता से जब वो पटना लौट रहे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके पास से कैश और सोने जेवरात जो है वो बरामद भी कर लिए जाते हैं। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही। और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन।